जय हिंद जय हिंद टू वन एंड ऑल। आज हमारे साथ डॉक्टर अनूप मिश्रा सर हैं। सर कोई परिचय का मोहताज नहीं है, सो आई डोंट वांट टू गिव एनी क्रेडिट टू सर बिकॉज ही डजंट नीड टू प्रोवाइड एनी क्रेडिट बिकॉज ही इज अ क्रेडिट हिमसेल्फ। ये अपने आप में ही क्रेडिट है, सो दैट इज़ वाई डॉक्टर अनूप मिश्रा सर इज हियर। फॉर योर ग्रेस आई वांट टू टेल यू टू दैट ही इज़ द फाउंडर ऑफ यूनिक फाउंडेशन। यूनिक फाउंडेशन के कर्ता धर्ता यही हैं, आपने सुना होगा पूरा, ठीक है। हम सब इन्हीं के संरक्षण में काम करते हैं। जितनी सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो किसी गरीब की हेल्प हो या शादी करवाना हुआ या ब्लड डोनेशन हुआ। कल अभी हम लोग एक लावारिस डेड बॉडी को ले जाकर जलाया, ठीक है। मतलब लोग छोड़ देते हैं लेकिन उसके बाद हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हेल्प करें। और साथ ही साथ सर एक अच्छे सिंगर भी हैं। सिंगर का मतलब अच्छे सिंगर, कहते हैं कि ऐसी कोई गाना नहीं है जो स्केल पर गा नहीं सकते। और साथ ही साथ सर एक अच्छे डॉक्टर भी हैं, ठीक है। ही इज़ अ गुड फिजिशियन एंड इनको डॉक्टर में होम्योपैथिक फिजिशियन क्या बोलते हैं सर, उसमें जो है गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। ही इज़ ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट पर्सन। तो सुल्तानपुर के अगर रत्न कहें तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, ठीक है, सुल्तानपुर। दैट इज़ वाई ही इज़ इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही विल टेक टूडे सेशन। एंड सर नाउ नाउ यू आर हियर एंड नाउ सेशन इज योर्स एंड व्हाट यू विल डू जस्ट यू कैन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अनूप मिश्रा है, जैसा कि सर ने आपको बताया, और मैं इधर से इंट्रोडक्शन शुरू करता हूँ। सबका नाम एक बार मैं भी कन्फर्म कर लेता हूँ। तो इधर से सभी लोग अपना नाम, आप नागेंद्र सर, आप थोड़ा सा तेज, शिवम वर्मा, आप प्रतीक, रवि शर्मा, अनुराग, शिवम यादव, आयम सर, त्रिपाठी, और तेज सुषमा, ओके। तो यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ देखने वाली चीज़ें होती हैं कि ज़िंदगी में ऐसे कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं जो चाहते हैं कि ज़िंदगी में हम प्यार करना लोगों से सीखें। कितने लोग हैं, कितने लोग चाहते हैं कि सब लोग मुझसे प्यार करें? सब लोग चाहते हैं, एक लोग नहीं चाहते हैं। चलिए, ये भी चाहेंगे, जब ये सब साथ होंगे तो ये भी चाहेंगे। तो एक बार ज़ोरदार तालियां जो नहीं चाह रहे हैं। और ज़िंदगी में अगर प्यार किसी से लेना है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले रोना। रोते हुए इंसान के पास कोई भी आदमी नहीं जाता, इतिहास गवाह है। आप उठा के देख सकते हैं इतिहास, अगर कोई रो रहा होगा तो बस वो भी जाके रो सकता है या फिर उसे चुप करा सकता है, लेकिन उसका साथ देने के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो सबसे पहले आप रोना बंद कर दीजिए। अपने कैरियर को लेकर रोना, अपने प्यार को लेकर रोना, अपने सामाजिक जो आपका संगठन है उसको लेकर रोना, आप रोना बंद करिए। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। समाज में बहुत से लोग ऐसे आगे आएंगे और आपका सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप रोना ज़िंदगी में बंद कर दीजिए। किसी के सामने रोने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप खुद में यूनिक हैं। और फाउंडेशन, यूनिक फाउंडेशन का नाम और मुहिम इसीलिए रखी गई थी कि हर इंसान के अंदर एक यूनिक है और उस यूनिक को हम बाहर निकालें और समाज तक उन सब को लेकर जाएं। दूसरी चीज़ें होती हैं क्रिटिसाइज़ करना। क्रिटिसाइज़ आप कभी भी इंसान के साथ मिलकर कभी मत करिए। आपका जो अस्तित्व है समाज में वो किसी के पास नहीं है। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका समय समय पे विखंडन ज़रूरी है। आज आप बड़े हैं, इनफैक्ट जितने लोग भी बड़े हैं, मैं अगर जेंट्स में बात करता हूँ, बॉयज़ में, कि आपको खुद नहीं पता होगा कि आपने अपनी लाइफ में कितनी बार सेविंग की होगी। पता है किसी को? पता है नहीं? पता है। तो ज़िंदगी में ये ऐसे मतलब हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए करते हैं, लेकिन ये खुद नहीं पता होता हमने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार सेविंग की। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें स्वच्छ बनाती हैं। इस सेशन में मैं शूज़ पहन के भी इस इवेंट को कर सकता था, लेकिन जो मिट्टी आज के इस समाज के इस प्रांगण में, ये जन्मभूमि है हमारी, और यहाँ पर ना जाने कितने लोग सुल्तानपुर को, कुछ भवनपुर, और इसके साथ साथ ना जाने कितना आगे तक ले गए हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जब भी काबिल बनते हैं, जब भी काबिल बनते हैं तो
आर्मी में अगर सर हैं तो उनको भी जूता पहन कर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अगर आप सर हैं तो आपको भी क्लास जाना पड़ेगा तो जूता पहन के जाना पड़ेगा। लेकिन ये सेशन कराने का जो सेशन है वो सिर्फ ये है कि देश की मिट्टी से मिलने का एक बार मौका मिलता है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां देश की मिट्टी के लिए, और इस मिट्टी का सम्मान सदा ही ऐसे बना रहे। और ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो इस मिट्टी से खेलना चाहते हैं। मिट्टी से पैदा हुआ हर एक इंसान मिट्टी से ही जन्म लेता है और मिट्टी में ही मिलता है, तो मिट्टी का हमें सम्मान करना चाहिए। और मिट्टी कहीं भी हो, किसी की भी हो, उस पर हमारा स्वतंत्र अधिकार है, क्योंकि इस मिट्टी पर ही हमारे बुजुर्गों ने हमें पढ़ा लिखा कर शिक्षा के लाइन में और इस तरह समाज की लाइन में हमें प्रेरित किया है। एक बार ज़ोरदार ताली अपने बुज़ुर्गों के लिए भी, जो हमारे समाज में तो हैं और उसके साथ साथ जो अब इस दुनिया को छोड़कर परलोक की तरफ भी गए हैं, तो वह जहाँ से भी हो अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने उस मिट्टी को देख रहे हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ किया और आगे हमेशा करते भी रहेंगे। ज़िंदगी में दो ऐसी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा पॉइंट रखने वाली चीज़ें होती हैं। सबसे पहले, अगर आप शिक्षा में कमज़ोर हैं, इंग्लिश आपको सिखाई जाती है, आप कमज़ोर हैं, यह कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में संस्कार हैं, अगर आपके घर और परिवार के द्वारा संस्कार अच्छे दिए गए हैं, तो इस शिक्षा दब जाती है और संस्कार हमेशा ऊपर रहता है। ये इतिहास गवाह है। बहुत से ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट मैं बताऊँ अपना, अगर मैं जो सेशन करना होता तो मैं 10th में 42% पे था। मेरी खुद की शिक्षा बहुत कमज़ोर थी, मैं 42% था, लेकिन जब समाज में संस्कार को लेकर जब मेरे फैमिली को, मेरे पिताजी को बोला गया, तब मैं वहाँ से थोड़ा सा अलग हुआ। और इसके साथ साथ मैं समाज में जब आया तो मेरा 12th में 98.4% था। तो यहाँ पे सिर्फ एक साल का ये डिफरेंट था, क्योंकि वो चोट यहाँ पर लगी थी। और उसके साथ से ज़िंदगी में हमेशा शिक्षा को लेकर आगे ही बढ़ते गया और संस्कार का सपोर्ट मिलते मिलते फिर संदीप सर मिले, सर मिले, फिर सर मिले, फिर नागेंद्र सर मिले, फिर ऐसे बहुत से लोगों का कारवा जुड़ता गया। तो शिक्षा अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता है कि आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं, लेकिन अगर आप संस्कार में सबसे अच्छे हैं तो शिक्षा कहीं ना कहीं दब जाती है और संस्कार आपके सामने झलकते हैं। आपके घर में अगर कोई भी फंक्शन होता है तो आपसे छोटा आपके मौसी का आगे पैर छूता है, लेकिन जो सिम्फोर्ड में पढ़ता है बुआ प्रणाम इस तरह से बोलता है। तो शिक्षा का मतलब होता है कि झुकना। ज़िंदगी में अगर आज ये मेडिकल से संबंधित एज अ डॉक्टर मुझे रिप्रेजेंट किया गया, तो मैं आप सभी को ये क्लियर करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जितने भी आशीर्वाद बने हैं वो आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन देने के लिए होते हैं। जब आप किसी का पैर छूते हैं, नीचे जाते हैं, तब आपकी स्पाइकल वेंस होती है जो पूरी तरह से झुकती है और ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को वॉश करता है। आशीर्वाद नाम की कोई चीज़ आपके माइंड में नहीं होती है, लेकिन जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड वॉश होता है तो आपको नई थिंकिंग एबिलिटी आती है और आपको एक जोश आता है कि हमें किसी ने कुछ आशीर्वाद दिया है। और वो जोश और उत्साह के साथ जब आप समाज में काम करते हैं, तब आपको लगता है कि किसी की ये देन है, किसी का परोपकार है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमारे कर्म, जिस तरह से हम कार्य करते हैं समाज में, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ने की प्रक्रिया को मिलती है और इसी हिसाब से हम अपने आगे कार्य को बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एक क्रिटिसाइज़ होता है, मैंने बताया कि आप सभी लोग इस पे विशेष फोकस करिए कि ज़िंदगी में अगर शिक्षा कमज़ोर है तो संस्कार पे विशेष ध्यान दीजिए। और इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। कि सर ने मुझे बुलाया था कि एज अ मेडिकल ट्रेनिंग, जैसा कि हम लोग के सेशन में हमेशा मेडिकल की शिक्षा में एक चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको फर्स्ट एंड रिलीफ के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है लगभग 15 से 20 दिन की, जिसमें प्रसव काल के दौरान, मतलब कि जब आपका फीमेल में जब गर्भावस्था का एक फेज़ होता है, तो अगर वो पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है तो इस दौरान आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है कि उसको घर के अंदर सेफ डिलीवरी करवाना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में, आजकल जहरीले सांप बिच्छू आपके घरों में होते हैं, तो हर बात पे हॉस्पिटल भागना ये सिर्फ आज का पढ़ा लिखा परिवार बोलता है, वरना पुराने ज़माने में दाई भी नॉर्मल डिलीवरी करवा देती थी। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि शिक्षा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने मेडिकल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी पुरानी चीज़ों को भूलते हैं। लेकिन आज भी मेडिकल कॉलेज में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपके 15 से 20 दिन के स्पेशल सेशन होते हैं जिसमें उस डॉक्टर को कोबरा से कटवाया जाता है और फिर दूसरी टीम उस पर रिसर्च करके उस डॉक्टर को ठीक करती है। तो आज भी ये प्रक्रिया और चलन हमारे बीच में है, और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें बखूबी देखी जाती हैं। तो मैं यहाँ पे आज आपको 3 सेशन में सबसे स्पेशल चीज़ बताऊँगा कि अगर किसी को अस्थमा अटैक आ जाता है या फिर कोई आपको सब्जी लेने जाते होंगे, आप बाज़ार जाते होंगे, तो कोई ऐसा पर्सन जिसको मिर्गी आ जाती है और रोड पर गिर जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने SIL का ये सेशन देखा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और बाद में वही लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आपको सिखाया किसने था,
तो वो सिखाया मैंने नहीं था, SIL ने सिखाया, क्योंकि SIL ऐसे ऐसे छोटे छोटे इवेंट हर संडे कंडक्ट कराता है जिसमें आपको मेडिकल शिक्षा, आर्मी से शिक्षा, इसके साथ साथ अगला सेशन जो आपका होगा एडवोकेसी पैनल का होगा कि आपके मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, जिसमें आप अपने IPC सेक्शन धाराओं को जान के हुए आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, मैं उसको सबसे लास्ट में बताऊँगा कि अगर आपका कोई एपिलेप्सी का पेशेंट आ जाता है जो रास्ते पे चलता हुआ बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से फेन आने लगता है, झाग आने लगता है, पुरानी कहावत है कि मोजा सुंघाओ जूता सुंघाओ, आप इसको कभी मत करिएगा क्योंकि आपके सॉक्स के अंदर 78 मिलियन से भी ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। खुदा नखास्ता अगर उसकी नाक पर कभी चला गया तो उसको ट्यूबरक्लोसिस होने से कोई नहीं बचा सकता है। वो बीमारी तो तुरंत ठीक कर सकता है लेकिन बाद में फिर उसे TB, अस्थमा, दमा, ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं। तो आप जब तक इस चीज़ पर श्योर ना हो जाइए कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या कहती है, आपको दुनिया पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी इतिहास गवाह है, इसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे गवाह हैं जहाँ पर आप देखते होंगे कि आज भी शादियों के टाइम कुआँ दिखाया जाता है। बहुत से लोग जो गांव से होंगे वो जानते होंगे कि शादी के टाइम कुआं दिखाया जाता है, ये हमारे लिए शुभ है, लेकिन आज वही पानी, कुआं का पानी हम 20 रुपए की बोतल में पी रहे हैं, ये बिजनेस है। तो ये बिजनेस है, हमारी ज़िंदगी में हम कुछ भी बेच सकते हैं A to Z। अगर एपिलेप्सी, दौरा, मोजे से ठीक हो जाता तो मुझे लगता पुराने मोजे भी बाज़ार में बिक रहे होते, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट हैं इसलिए कहीं से बिकते नहीं, और आपको हमेशा बताया जाएगा भाई मोजा सुखा दो, कहीं भी कोई पेशेंट मिल जाए। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और ज़िंदगी में सारी चीज़ें हमारे माइंड से होती हैं, A to Z जितनी भी एक्टिविटी होती है वो हमारे माइंड से होती है। मैं भी परसों, सर ने फ़ोन किया था कि आपको सेशन लेना है, तो मैं एक बुक पढ़ रहा था और उस बुक में मैंने वो पूरी हेडिंग बहुत अच्छी तरह से अंडरलाइन किया था कि एक अफ्रीका का एक नॉर्मल इंसान था और वो बर्फ़ की चाकू बनाकर एक आदमी को मार देता है, और जज भी वहाँ का सबसे अच्छा एक्शन लेता है, वो बोलता है ठीक है इसको 10 दिन के लिए जेल में रखा जाए और 10 दिन फ्रिज में बंद कर दिया जाए। जैसे ये मारा गया है वैसे इसको भी पता चले कि ज़िंदगी में मौत क्या होती है। बर्फ़ की चाकू से किसी की इंसान की मौत हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन जज ने भी इसके बराबर का फैसला सुनाया कि इसको 10 दिन जेल में बंद किया जाए और 10 दिन इसको फ्रिज में बंद कर दिया जाए, क्योंकि सरकार का फैसला था। तो वो सारी चीज़ें हुई, 10 दिन वो जेल में रहा और 10 दिन बाद वो फ्रिज में गया और फ्रिज में जाने के बाद वो मौत हो गई। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल कर आई, एक सर्वे हुआ और दूसरा पोस्टमार्टम हुआ। तो सर्वे में ये निकल कर आया कि इसकी मौत हो चुकी है, और जब पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई तो इसका रीज़न पता चला कि इसको ठंड लग चुकी है और ये मर चुका है। और जब इसका सर्वे अच्छी तरीके से किया जाता है, क्योंकि जब आपका राशन कार्ड नहीं बनता है तो आपको भी पता होगा कि सर्वे किस प्रकार का होता है, घर परिवार बच्चे सब आओ भाई साइन करो तब राशन कल से मिलेगा, ये आज का फेज़ है। आज हमारा समाज इतना आगे बढ़ चुका है कि आज भी नॉर्मल तरीके से हम जैसे पहले हर कार्य को कर लेते थे वो अभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और इसके साथ साथ जब सर्वे होता है तब उस सर्वे में बताया जाता है कि इसकी मौत ठंड लगने की वजह से नहीं बल्कि जेल में बंद होने की वजह से हुई। तो सारा खेल माइंड का है, क्योंकि जब वो जेल में था तो अब भी उसको ये डर था कि मैं फ्रिज में जाऊँगा तब मर जाऊँगा, ठंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, और इसके साथ साथ वो गर्मी में ही ठंडी की पूरी फीलिंग जेल के अंदर लिया। सोचने का माइंड का खेल है ये कि जेल के अंदर वो दिन भर ये सोचता रहा कि कल मैं फ्रिज में बंद हो जाऊंगा, कल मैं फ्रिज में बंद हो जाऊंगा, तो उसकी बॉडी वैसे ही काम करने लगी और वो वहीं पे ही मर चुका था अपने मन से। शरीर बची थी, शरीर फ्रिज में गई, फ्रिज में कोई लाइट नहीं था, फ्रिज बंद थी, लेकिन बाद में रिपोर्ट आती है कि इसको ठंड लगने की वजह से मौत हुई है। ठंड जेल के अंदर थी ना कि फ्रिज में, फ्रिज की लाइट बंद थी। तो अगर आपके मन में डर, आपके मन में शिक्षा को लेकर डर है, तो आप अपने मन से कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। खड़े होकर आप सब लोग सेशन कर सकते हैं, भले शरीर आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका मन आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा उस दिन आप इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत होती है वो होता है आपके मन का विचार। अगर आपका विचार संदीप सर के मन से मिलता है तब आप संदीप सर से इंग्लिश भी सीखेंगे और मेरे फाउंडेशन के लिए 100 रुपये भी दान करेंगे, क्योंकि विचार हमेशा इंसान के एक पहलू से नहीं बल्कि दो पहलुओं से जुड़कर मिलता है। ज़िंदगी में हम अपने लिए काबिल नहीं होते हैं, और ज़िंदगी में जब हम दो होते हैं तो कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। मारपीट करने जाइए, दो लोग रहिए और अगला एक रहेगा तो मारपीट नहीं करेगा। ऐसे ही एक डॉक्टर साहब की और भी कहानी थी, बहुत अच्छी थी, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों के बारे में ही बायोग्राफी उनकी पढ़ना पसंद करता हूं, और उनके जीवन में ऐसी क्या चीज़ें थी जो वो बढ़कर आगे बढ़े।
तो उन्होंने अपने सेशन में ये बताया कि वो ये बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, और रात में एक अर्जेंट कॉल आती है 2 बजे कि सर एक पेशेंट है, ऐसी ऐसी बात है, और उसकी वाइफ फ़ोन उठाती है तो वो बोलती है ठीक है गर्म पट्टी रखो और उसको ये दवा दे दो जो डॉक्टर साहब ने दिया है। इतनी देर में डॉक्टर साहब का अंदर से कॉन्शियस माइंड खुलता है और चेत अवस्था में बोलते हैं कि क्या हुआ मरीज को, क्या हुआ? तो बोला कुछ नहीं, वो नॉर्मल है, बस मैंने उसको प्राइमरी सेकेंडरी जो है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी, पट्टी रखे दवा दे। कहे नहीं, यहाँ पे मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मेरा पैसा पता है और मुझे जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब रात में 2 बजे उठते हैं, अपनी अटैची को उठाते हैं और जाते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा एक गुफा टाइप का पड़ता है जहाँ से लगभग रोड अंधेरे की तरफ निकलती है, फिर आगे रोशनी रहती है, आपने देखा होगा बहुत से। हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी। तो वो जब था तो एक आदमी आता है, उसके डॉक्टर साहब की गाड़ी रुका देता है, बोलता है कि लाइटर है, क्योंकि रात में पियक्कड़ और ये सबसे ज़्यादा होते हैं, आज भी आपके समाज में होंगे। तो डॉक्टर साहब ने अपना शीशा खोला, उसके बाद बोला लाइटर है, तो डॉक्टर साहब ने अपना पर्स खोला और लाइटर जलाया और चेहरा देखा इंसान का। फिर उसके बाद वो गया, इलाज किया, सुबह 7 बजे इलाज करने के बाद आए, फिर डॉक्टर साहब सो गए। 10 बजे कॉल आई कि कल रात में एक मेडिकल ऑफिसर जो हमारे ही बैच के थे, उनको कल कुछ लोगों ने लूट कर ली उनके साथ, और उनको जो है पुलिस पकड़ कर जेल भेज दिया, लेकिन डॉक्टर साहब की हालत सीरियस है और आपको बुलाया गया है उनके इलाज के लिए। तो वो डॉक्टर जाता है उसके पास, तो पता चलता है कि हमारे CMS हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। तो वो जाता है, डॉक्टर साहब का इलाज करता है, डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि कैसे हुआ? तो बोला कि बस वही कुछ नहीं, एक गुफा टाइप का था, मेरी गाड़ी जा रही थी, उसने रुकाया मुझे और उसके बाद मेरे साथ लूट कर लिया उसने। तो वो जब आगे बढ़ा तो कहा ठीक है सर, मैं आपका इलाज तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस आदमी से भी मिलना चाहता हूँ जो आपके साथ ये लूट की वारदात को किया है। कहे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जेल आप चले जाइए, वो जेल में बंद है। जब वो डॉक्टर साहब गए, उस आदमी को देखा, तो एक बार देख के वो चौंक गए, ये वही आदमी था जिसको डॉक्टर साहब ने लाइटर जला कर दिया था। और जब डॉक्टर साहब ने बोला तो उसके बाद भी हर इंसान चुप हो जाता है कि यार ये क्या चल रहा है, क्या सेशन चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे उस डॉक्टर साहब को जब वो चेहरा देखता है तो वो बोलता है कि डॉक्टर साहब ने बोला कि आपने मुझे क्यों नहीं लूटा? तब चोर ने बोला कि ज़िंदगी में लूटा उसे जाता है जो अकेला हो, आप तो दो थे। दो पता है कौन थे उसके साथ? नहीं, दो कौन था पता है? उसकी शिक्षा, उसका प्रोफेशन, उसके हाथ में एक अटैची थी, उसकी जिम्मेदारी थी, वो किसी की जान बचाने जा रहा था। और जब आप समाज में कभी भी अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप दो होते हैं, अकेले नहीं। और जब इंसान दो होता है तो कोई ऐसा नहीं जो उसको हरा सकता है। एक बार ज़ोरदार तालियां। ऐसे समाज में जो अपनी शिक्षा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो चाहे वो डाकू हो चाहे डकैत हो, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि सब जानते हैं कि डॉक्टर्स के बैग में पिन होती है, कैंची होती है, वो डॉक्टर भी वॉर कर सकता है। इस चोर को बाद में पता चलता है कि डॉक्टर साहब अगर अटैची खोल दिए तो हम रात में यहीं मर जाएंगे, तो उससे अच्छा अगला आदमी को लूट लिया जाए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं समाज में कि अपने मन से और अपने हम विचारों से अगर दो हैं तो हम ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं सकते हैं। तो हारने के लिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ध्यान देना होता है कि अपने विचारों को हम सबसे ज़्यादा समाज में आगे की तरफ लाएं और अपनी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ठीक है? और रही बात मेडिकल शिक्षा को लेकर आगे बढ़ाने का, तो मेडिकल शिक्षा में फाउंडेशन की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हम लोग का भी फोकस है कि जो समाज में आगे आके डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में मैं प्राइवेट डॉक्टर ज़रूर हूँ लेकिन एक एम मेरा भी है कि मैं सरकारी नौकरी पर बैठ कर सरकार की नौकरी करूँ और 10 दिन बाद उस नौकरी को रिज़ाइन करूँ, जिससे भविष्य में कोई भी ये बोलने वाला ना रहे सरकारी नौकरी क्या होता तो जनता। तो ज़िंदगी में शिक्षा को कभी भी हम आगे तक ले जा सकते हैं, बस इसके अंदर विश्वास होना चाहिए और इसके अंदर लगन होनी चाहिए। तो ज़िंदगी में हर कोई ये चाहता है और हर किसी इंसान को भी करना चाहिए अगर वो मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। आइए आप देखिए पोस्टमार्टम तक क्या चीज़ें होती हैं जो समाज की धारणाएँ हैं कि डॉक्टर साहब दारू पी के पोस्टमार्टम करते हैं। आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आप ज्वालामुखी में गिर जाइए तो आप क्या करिएगा? अगर आप ज्वालामुखी में गिर जाइए तो आप क्या करिएगा, कोई बताए? अगर मान लीजिए पैर फिसल गया, कुछ भी हो गया, तो क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं कर पाएंगे, सर वहाँ पे जलना ही जलना है, इससे क्या करेंगे? चलिए, और आप जल जाएंगे, आप गिरेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इधर से आप लोग कोशिश करेंगे, आप कुछ नहीं, आप कोशिश करेंगे, आप क्या करोगे? आप भी कोशिश करोगे? आप भी सर
सब लोग कोशिश करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके दादा और परदादा ने कभी ज्वालामुखी देखा है? नहीं देखा। और नहीं देखा है तो उनको कैसे पता के बारे में? पता आपको ज्वालामुखी के बारे में नहीं पता? नहीं, ज्वालामुखी के बारे में मुझे पता है, देखा है आपने? वो लोग देखे कि नहीं देखे? हाँ, आपने देखा है? नहीं देखा है। अब इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें निकल कर आती है। सर ने बोला कि ज्वालामुखी में जल जाएंगे, लेकिन सर को इन्फॉर्मेशन अगर दिया जाए तो उसमें काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी चीज़ होती है बॉडी में, जिससे इस अंगूठी या फिर किसी भी चीज़ को अगर डाला जाता है तो वो एसिड से ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, तुरंत उसको वॉश किया जाता है। वो सबसे ज़्यादा देखने में ठंडक होता है, लेकिन हीट सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जब उसके एटमॉस्फेयर पे कोई होता है तो वो सबसे ज़्यादा उसे ठंड प्रोवाइड कराती है, उसे मरने नहीं देती। लेकिन ज़िंदगी में हमारा जो माइंड है ना, वो सबसे पहले कहता है भैया भागो भागो बस यहाँ से। तो यहाँ पे भागना नहीं है, क्योंकि जब हमारे दादा परदादा हमारे लोगों ने नहीं देखा है, हमारे अंदर ये माइंड में ये चीज़ें बन चुकी हैं कि ज्वालामुखी से आग निकलती है, ज्वालामुखी में गिर जाएंगे तो भागेंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो करता है ना, कि हमारे माइंड में जो ग्राफ बन चुके हैं, तू नहीं कर सकता है, तुमसे इंग्लिश सीखा ही नहीं जाएगा। सारी चीज़ें होती है ना कि आप भाई शहर में आ रहे हो, इंग्लिश सीखने आ रहे हो, बहुत से लोग बोलेंगे यार ठीक है, अगर तुम सीख भी लिए ना तो 3 महीने ज़्यादा बोल के दिखा देना तो अपना नाम बदल देंगे। मैंने भी सीखा है, मैंने भी सुल्तानपुर में 2008 में वीटा वन की एक ब्रांच आई थी, उस समय मैं पढ़ाई भी कर रहा था, तो मैंने भी वीटा वन में सीखा था। और वहाँ पे एक सर थे और प्रेजेंट टाइम में वो आर्मी की कर्नल पोस्ट पे जो है कार्यरत हैं। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है, अमजद सर को भी देख के, कि अक्सर इंग्लिश सीखने वाले और सिखाने वाले आर्मी में ही जाते हैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियाँ हमारे इंडियन आर्मी के लिए कि हमारे बीच में है। तो वो सर भी स्पीकिंग के लिए आगे बढ़े और वो भी आज प्रेजेंट टाइम में आर्मी के किसी पोस्ट पे ही हैं, उनसे सर से भी बात होती रहती है। तो ज़िंदगी में अच्छा लगता है कि जिनके साथ हमने अपना गुरु बनाया, जिनके साथ अपने पूरे जीवन भर रहे, इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें हमने देखा कि वो भी अपने बच्चों को बढ़ाते हुए आगे तक आते हैं। और छुट्टियों में हमारे SIEL के इस ब्रांडेड SIEL का जो एक ब्रांड है सुल्तानपुर में, क्योंकि आज अगर बच्चे से भी पूछा जाए कि सर आप इंग्लिश कहाँ सीखते हो, तो बेसिकली बोलता है कि अमेरिकन में सीखे थे कुछ दिन, लेकिन समझ में नहीं आया था, तभी संदीप सर से सीख रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, समझने और ना समझने के बीच में जो एक अंतर आता है, वो सिर्फ ना समझ का आता है। कि ना समझ अगर इंसान है तो उसे कहीं ना समझ में नहीं आएगी, एक जगह समझ में आएगी। तो ज़िंदगी में काबिल होने के लिए आपके लिए आपका शिक्षा है, आपके संस्कार हैं, तीसरा कोई रीज़न नहीं। ज़िंदगी में आपके माँ और बाप, आपके जीवन में सिर्फ आपके डिसिप्लिन मैनेजमेंट हैं बस। आप कहीं पे कोई गलत कार्य कर रहे हो तो वो सिर्फ एक डिसिप्लिन मैनेजमेंट है, कि आपको उनका डर है, राइट? कि अगर पापा को पता चल जाएगा, बड़े पापा को पता चल जाएगा, और खलनायक कोई होगा, मौसी हो गई, कोई भी होगा, उनको पता चल जाएगा तो आज पूरा दिन ख़राब। तो आपके जीवन में जितने भी लोग हैं, सिर्फ आपको डिसिप्लिन और मैनेजमेंट के लिए पैदा हुए हैं। ज़िंदगी में इतिहास गवाह है, ना कोई माँ होता है, ना कोई बाप होता है, ना कोई भाई, ना कोई बहन। ये सिर्फ आपके अंदर ये चीज़ें, धारणाएं आपको समाज में बनाते हैं। अगर हर इंसान यही सोच लेता कि हर लड़की मेरी बहन है, तो समाज में इतने रेप क्यों होते? सिर्फ अपनी बहन को बहन समझना समाज में, जो आज का ये सबसे ज़्यादा प्रचलन है। हम लोग के भी मेडिकल सेशन में बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो डॉक्टर पैसे पे बिक जाते हैं, कि लड़की का रेप हुआ है, अपोजिशन पार्टी पैसा देती है और नॉर्मल सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर ईमानदार डॉक्टर होगा तो उसके अगेंस्ट खड़ा होगा, और उसके साथ साथ एग्जैक्ट जो गलती किया है उसको उस तक पहुंचाया जाए, जिससे आगे ऐसी भी किसी भी चीज़ों में किसी का हाथ ना आए। तो इसके साथ साथ ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, ये सिर्फ आपके डिसिप्लिन मैनेजमेंट में है। अगर आप किसी लड़की को देखते हो तो आप एक बार सोचोगे कि आपके पास भी बहन है। अगर किसी माँ के साथ आप गलत कर रहे हो, उसको गिराने की कोशिश कर रहे हो, तो आप भी एक सोचोगे मेरी भी माँ है। किसी बाप के साथ हो सकता है आप जहाँ पे काम करते हो वो आपके बाप के समान हो, लेकिन अगर आप उसके साथ छल कपट करते हैं, उसके पैसे के साथ छेड़खानी करते हैं, तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि मेरा बाप कहाँ से कमा के लाता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ डिसिप्लिन मैनेजमेंट को बरकरार रखने के लिए कराई जाती हैं। और ज़िंदगी में जिस दिन वो काबिल हो जाता है, तो बहुत से लोग होंगे जो बाहर रह के भी पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर रह के नौकरी कर रहे हैं, माँ बाप से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा बेसिक मैनेजमेंट होता है कि हमारे डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा अप्रोच करते हैं ये लोग, और इसीलिए हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा तवज्जो इनको देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको मेडिकल से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ नहीं तो मैं आपको बेसिकली 2-3 चीज़ें बताऊँगा जो अपनी ट्रेनिंग में आप लोग फॉलो करिएगा। घर में अगर किसी को सांप काट लेता है, बिच्छू काट लेता है, तो प्राइमरी में क्या क्या, सेकेंडरी आप उसके साथ कर सकते हो। और अगर आपको पब्लिकली में कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जिसको दमा, अस्थमा, या फिर उसको
इटिकोजियल डिजीज़ एक होती है जिसको जो है अगर अटैक कर जाता है तो उसको 6 घंटे के लिए कम से कम वो पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो ये भी नॉर्मल सिटी में आएगी क्योंकि कोविड के दौरान जितने भी लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, ठीक है, कोविड में जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था, RT-PCR टेस्ट थे आपके और इसके साथ साथ जितने भी आपके ब्लड जांच से संबंधित जितनी भी जांचें थी RT-PCR था, और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात करें तो वैक्सीन जितने लोगों ने नहीं लगवाई थी, इसके बाद भी एक जिंक मेट नाम की मेडिसिन आती है जिनको कोविड हुआ होगा या फिर देखा होगा या पत्ता भी काट कर लाया होगा तो एक उसमें जिंक नाम की एक मेडिसिन रहती है। आप जाइएगा उसको गूगल पर पढ़िएगा, बेसिकली पढ़िएगा कि उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, क्योंकि हमारा सरकार, हमारे लोग हमें प्रेजेंट टाइम में ठीक तो कर सकते हैं लेकिन उस कोविड से निकलने का जो प्रोसेस होता है वो माइंड का होता है। तो अगर आप माइंड पे आ गए और अपने माइंड से इलाज करना शुरू कर दिया, मतलब जब तक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे आप कोविड के दौरान, तो आपने उस दिन मेडिसिन खाई, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कितने लोग हैं जो मॉर्निंग में नाश्ता करने के बाद एक गोली ले लेते हैं अंदर, उनको डर है अभी भी क्योंकि जो कोविड फेस कर चुका है उसके अंदर डर है, और ज़िंदगी में जो कोविड नहीं देखा है उसके लिए कोविड कुछ नहीं है। तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते आप सभी से बताता हूँ कि कोविड को बिल्कुल आप लोग सीरियस लीजिए, क्योंकि कोविड एक ऐसा डिज़ीज़ है जो आपके ट्रेकिया पे जाके सबसे ज़्यादा काम करता है। ट्रांसप्लांटेशन अगर आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है जो आपके राइबोसोम पे काम करता है। राइबोसोम एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके बॉडी में जो भी चीज़ जाती है उसको फोटोकॉपी करने का काम करता है, ठीक है। आपके अंदर कोई चीज़ें गई, ठीक है, कोई पिक्चर आपने देखा कि मुझे ये ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो माइंड के अंदर जाता है और पुरानी कहावत है कि यार मुझे हर चीज़ में वो दिखती है, आपने सुना होगा। तो ये राइबोसोम आपके अंदर होता है कि जो उस चीज़ को पिक्चराइजेशन करता है और उसे हर चीज़ में, अगर आप किसी को ध्यान से देखने लगेंगे तो चीज़ आपको फिर से वहाँ पर दिखने लगेगी। तो ये आपके माइंड के अंदर ये चीज़ें हैं। और बेसिक अगर बात करूँ कि कॉन्सेप्ट में माइंड का कितना बड़ा खेल होता है, ये लास्ट सेशन होगा, इसके बाद फिर मैं आपको ट्रेनिंग भी दिखाऊंगा इसका लाइव कि आप लोग को कैसे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करनी है। एक इंसान था, उसको जेल हो जाती है और वो बोलता है कि सर जेल तो जाना ही है लेकिन अगर मौत थोड़ा आसान हो जाए तो और दिक्कत हो, क्योंकि कल सर फांसी हो जाएगी और आज जेल, और अगर मैं थोड़ा जल्दी मर जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं होगा। तो वो बेसिकली बोलता है कि ठीक है, जेलर साहब ने बोला कि ठीक है हम तुम्हें गोली से मार देते हैं। कहा सर गोली भी लगेगी, थोड़ी देर तो दर्द होगा ही ना, तो ऐसी कोई मौत बताइए जिसमें मैं मर भी जाऊं और मुझे दर्द भी ना हो। तब जेलर साहब ने बोला ठीक है भाई, इसको सांप से कटवा देते हैं। तो कहा हाँ ये ठीक है, सांप काटेगा, जहर फैलेगा, मैं तुरंत सफोकेशन फील होगा, मैं मर जाऊंगा। तो इसके बाद जो है वो आदमी एक सांप को लेकर आ ही रहा था, तब तक उसके आदमी के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाता है और जेलर जो है उसके हाथ पे एक पिन से ड्रॉप कर देता है बस, और वो इंसान सोच लेता है कि मुझे सांप ने काट लिया, और वो इंसान अगले 5 मिनट के अंदर ऑन स्पॉट वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है कि एक सिरिंज से किसी की मौत नहीं हो सकती है, लेकिन जो मेडिकल की रिपोर्ट आई वो उसको हिला देने वाली थी कि उसके बॉडी के अंदर कोबरा का पॉइजन भी पाया गया। तो इतना ज़्यादा टेंडेंसी में आपका माइंड काम करता है कि जो चीज़ें आप सोच लेते हो वो पॉइजन आपकी बॉडी तैयार करती है, DNA मॉलिक्यूल्स अगर आपने पढ़ा होगा तो। तो वहाँ पे आप जो भी चीज़ें, इमरजेंसी हार्मोन्स के बारे में आप सभी जानते होंगे कि आपकी बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है। अगर आप कहीं कट जाता है हाथ, आपका हाथ पूरा अलग हो जाए हाथ से, तब भी 5 मिनट तक इसमें जान रहती है जब तक वो DNA एक्टिवेट रहेगा। तो इमरजेंसी हार्मोन्स आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब आप कोई कार्य को करते करते थकने लगते हैं तो आपके अंदर इमरजेंसी हार्मोन्स पसीने का सिक्रेट करती है, तो वो सबसे ज़्यादा पसीना आपको बनता है। और अगर आपका हाथ कहीं कट जाता है तो आपको ये इमरजेंसी हार्मोन्स सपोर्ट करते हैं। अगर आप कहीं खड़े हैं और कुछ काट रहा हो अंदर से आपको, तो इसमें भी इमरजेंसी हार्मोन्स सिक्रेट करता है, उसको पकड़ो, हाथ से निकालो और उसको बाहर करो। तो माइंड आपका बहुत बड़ा खेल करने वाला है आपके पूरे जीवन में और ज़िंदगी में। आप अपने आप से प्यार करिए, समाज में किसी भी लोगों से प्यार करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अपने हाथों से प्यार करिए। अपने जीवन में जब उठिए तो आप दोनों हाथों को देखिए, हे ईश्वर, हे भगवान, आपने इतने अच्छे हाथ दिए हैं, वरना आप मेडिकल कॉलेज टहल कराइए जिनके दोनों हाथ में पैरालाइज है, वो अपने हाथ को कभी उठा नहीं सकते हैं। आप कभी भी टहल कर आइए मेडिकल कॉलेज, अगर आपको देखना हो देख कर आइए। अपने पैर से प्यार करिए, अपने हाथों को प्यार करिए, अपनी आँखों को प्यार करिए कि जीवन में मैं देख सकता हूँ। एक अंधे इंसान को कभी दिक्कत नहीं होती है, वो कभी नहीं गिरता है और अपने एक एक सामान को उठाकर एक एक स्थान पे उसको पता होता है कहाँ रखता है, लेकिन तकलीफ जानते हैं कब होती है,
जब उस अंधे के घरों में ना कोई आँख वाला इंसान आ जाता है तब उसे दिक्कत होने लगती है, यार ये इंसान कैसे कर सकता है, मुझे दिख रहा है मैं नहीं कर सकता, ये साला कैसे कर सकता है। तो जो हमें चीज़ें दिखती नहीं ना उसके लिए हमारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए नॉर्मल चलने वाला इंसान, आप चलेंगे तो गिर सकते हैं लेकिन अंधा चलेगा तो कभी नहीं गिरता। आपने कभी देखा है अगर उसके पास स्टिक है तो कभी गिरता नहीं है, क्योंकि वो स्टिक से ही सारी चीज़ों को, आगे चलने वाली सभी चीज़ों को अवेयर कर लेता है वो। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फुल ऑन सेशन था कि अपने माइंड को सबसे ज़्यादा एक्टिव रखिए, और इसके साथ साथ बॉडी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वो अगर मेडिकल को लेके बात करें तो बहुत लंबा सेशन हो जाता है कि एक एक हार्मोन्स के बारे में उसको बताना, और इसके साथ साथ इस नॉलेज को और भी आगे करना। फिर हमारा सेशन होगा। हाँ जी, साइनाइड की गोली का मतलब है कि जैसे आपके स्लाइवा से टच होगी ऑन स्पॉट उसकी डेथ होगी। आज तक उसका स्लाइवा साइनाइड का कोई टेस्ट नहीं बता पाया है। तो और अगर अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक में आएंगे तो एक मेडिसिन आती है मर्क साइनाइड। आपके माउथ अल्सर, जो आपने कभी देखा होगा जीभ किसी की काली हो जाती है या किसी के वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं पूरे जीभ पे, तो वो मर्क साइनाइड एक मेडिसिन आती है जो आपके मर्क्यूरियस क्यूरेंटस नाम का एक सांप होता है उसके जो जहरीले विष होते हैं उससे वो मेडिसिन बनाई जाती है। और नॉर्मल आपने वीडियो भी देखा होगा, कुछ ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलते होंगे जिसमें सांप जीभ पे काटता है और जीभ ठीक हो जाती है, देखा है आपने? हाँ। डिस्कवरी अगर आप लोग देखते होंगे तो ये वही सेम सांप का पॉइजन होता है जो कि मेडिसिन टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे यूज़ किया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर मैं बात करूँगा आप सभी से, तो यहाँ पे एनिमल किंगडम से मेडिसिन बनाई जाती है, एनिमल्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं A to Z। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पथरी गलाने की जो दवा आती है वो तिलचट्टा, अगर आप जानते होंगे तो तिलचट्टे को 42 दिन रखने के बाद इस पर रिसर्च करके मेडिसिन बनाई जाती है। बाद में उसको आदमी चाव से खाता है कि हम खाएंगे मेरी पथरी गिर जाएगी। तो इसी तरह के एनिमल किंगडम होते हैं, प्लांट किंगडम से आपकी मेडिसिन बनाई जाती है और फंगस किंगडम से भी मेडिसिन बनती है। दांत खाज खुजली अगर किसी को होता है तो ब्रेड के ऊपर कभी आपने ध्यान दिया होगा जो फंगस लगता है उस फंगस को मेडिकल टीम इकट्ठा करती है और उसी से मेडिसिन बनाती है, क्योंकि जहर को जहर ही काटता है, ये पुराना नियम है। और जब वो फंगस बॉडी के फंगस से रिएक्ट होते हैं तो आपका दांत खाज खुजली ये सारी चीज़ें आपको परमानेंट इससे आराम मिल जाता है। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। जी अभी सर ने बोला कि ये चीज़ें कॉन्फिडेंट कैसे होती हैं। अगर आपको अपने लाइफ में कॉन्फिडेंट बनना है तो आप शीशा देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि जिंदगी में शीशा एक ऐसा चीज़ होता है ना जो आपको कभी झूठा नहीं बताएगा। सर ने मेरी तारीफ की, आपने की, सब लोगों ने मेरी तारीफ़ की, लेकिन अगर मैं आईने के सामने खड़ा होऊंगा तो मैं ईमानदारी से पूछूंगा कि आज मैंने इस सेशन ईमानदारी से लिया, तब शीशा बोलेगा कि तूने वहाँ पे गलती कर दी थी। क्योंकि जब आप खुद से बात करते हो तब आपको अपने अंदर की गलतियाँ पड़ती हैं, तो समाज में सब आपका सपोर्ट करेंगे। इस वजह से अगर आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट होना चाहती हैं तो अगर आप कोई भी सेशन करना चाहते हो तो आप मिरर में प्रैक्टिस करिए। अच्छे अच्छे डांस टीचर इंस्टीट्यूट भी आपको शीशे पे ही दिखा के डांस सिखाता है, जानते होंगे। अच्छे अच्छे सिंगर सिखाने वाले भी आपको शीशे के सामने रखते हैं कि आप अपने आप को मानिए कि आप अपने शीशे सामने आप अपने आप को रखते हैं और आप ही सब कुछ हैं, आप पब्लिक हैं, आप सुनने वाले हैं। और जब आप सुनने वाले में खुद होंगे तब जीवन में आपको जो है सुनने वाले बहुत से लोग होंगे। इस वजह से जो भी प्रैक्टिस हमें करनी हो, जो भी हमें एजुकेशन से आगे बढ़ना हो, कुछ भी करना हो, तो मिरर अपने साथ हमेशा रखिए। मैं अब नहीं रखता हूँ, पहले मेरे पास एक छोटी सी कंघी और मिरर हमेशा रहता था। बाल को सही करना और शीशा देखना ये पुराना फैशन था, जब नॉर्मल लोगों में आया तो वो सब चीज़ें अब घर पे रहने लगी। तो ये चीज़ें हैं। और बेसिकली अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, तो आपको सुनना पसंद करना पड़ेगा। जितना आप सुनेंगे, क्योंकि मेमोरी में उतनी ही चीज़ें आती हैं जितने का उसकी कैपेसिटी होती है, उसके ऊपर आप करेंगे तो आपका जो मेमोरी वो करप्ट हो जाती है। तो अगर आपको समाज में आगे बढ़ना है तो लोगों को सुनिए, मुझे ही नहीं समाज में जितने भी लोग हैं, विवेकानंद हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, इसके साथ साथ जितने भी धार्मिक से जुड़े हुए लोग हैं या फिर समाज को नई दिशा देने वाले लोग हैं, उन सब को सुनिए। सेशन में जितना मैंने बताया, हो सकता है मैंने कहीं पे पढ़ा हो या फिर हो सकता है मैंने कहीं पे देखा भी हो। तो जितना आप देखते हैं, जितना आप पढ़ते हैं, उतना समाज में आप आकर आप सब, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे SIL नए नए लोगों को बुलाता है, कल से यहाँ पे एक स्टूडेंट भी आकर बोलेगा, कल से यहाँ पे वो बच्चा भी आकर बोलेगा जिसको आर्मी में जाना है, तो वो बताएगा कमजद सर का एक सेशन हुआ था और उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया तो अब मुझे लगता है क्या है मुझे आर्मी में जाना चाहिए। तो सेशन चलाने का उद्देश्य सिर्फ यही इतना है कि आपका जो क्षेत्र है,
जिसमें आप जाना चाहते हो, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आर्मी के क्षेत्र में, एडवोकेसी के पैनल में अगर आप जाना चाहते हैं, तो SIEL आपको हर संडे उस आदमी से मिलवाता है कि आप सबसे मिलिए, जो आपकी चॉइस है वो आप करिए, क्योंकि SIEL कभी भी आपके ऊपर बर्डन नहीं किया अपने अपने करियर को लेके। कभी SIEL ने आपसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो? SIEL ने सिर्फ इतना बोला कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, राइट? तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें यही से होती हैं कि बेसिकली आपको अगर कॉन्फिडेंट होना है तो आप शीशा देखना पसंद करिए, और वो शीशा जो आपको खुद में दिखाए कि आप हो क्या, ठीक है?